इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कहा जाता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। यहाँ से लोग कश्मीर या इस तरीके से जाते हैं जी जिहाद के नाम पे। आपको लगता है कि जिहाद करना आपकी या मेरी, मतलब जब गवर्नमेंट या पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान एक कंट्री है, तो उसकी फोर्सेज या उसके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है किसी के भी अगेंस्ट कुछ करना या ना करना। और यही पाकिस्तान चाहता है, यही उसका मकसद है कि आपके ट्रूप्स को टाई डाउन करके रखे। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है। कश्मीर में इंडिया ने मजीद अपने 500 जो स्पेशल कमांडो हैं, क्योंकि वहां पे आईरिन अटैक हो रहे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वहां पे 500 स्पेशल कमांडो उन्होंने तैनात कर दिए। कश्मीर का इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट द अपमोस्ट है, तो हम इन चीजों को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे हम अपने ताल्लुकात किस तरह बेहतर कर सकते। और जबकि हमारे लिए बड़ा आसान है, मैं बार बार कह रहा हूं वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। ये सर्वविनाश करने से नहीं होगा। आप सर्वविनाश करो, आपको ऑपरेशन सर्वविनाश 2.0 लॉन्च करना है, मोर देन हैप्पी, गो अहेड एंड डू इट, यू शुड डू इट प्रोबेबली। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार भारत सरकार ने जो है ना जम्मू कश्मीर के अंदर 500 पैरा कमांडोज जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि लगभग 50 से 60 आतंकवादी हैं जो यहाँ पर घुस आए हैं, इन्हीं के खात्मे के लिए जो है ना इनको तैनात वहाँ पर किया गया है। तो अब इसी के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया क्या डिस्कशन कर रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है कि इंडिया का मीडिया इस खबर से भर चुका है इस वक्त। खबर ये है कि इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये, 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं, और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से, ये आपके सामने डिटेल्स रखते हैं। और क्यों है इस पर भी बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हम देखें प्रीवियस कुछ डेज में बहुत ज़्यादा वहाँ पर दहशतगर्दी नज़र आई, कई ऐसे वाकयात हुए जम्मू में कि जिसके ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा जवान उसके अंदर उनकी जाने गई और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनकी भी जाने गई हैं। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है। वहां से लोग कश्मीर या इस तरीके से जाते हैं जी जिहाद के नाम पे। आपको लगता है कि जिहाद करना आपकी या मेरी, मतलब जब गवर्नमेंट या पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान एक कंट्री है, तो उसकी फोर्सेज या उसके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है किसी के भी अगेंस्ट कुछ करना या ना करना। मैं और आप या ये या अपने तौर पे चल जाए जी मैं जिहाद करने जा रहा हूँ, ये आपके ख्याल से अगर किसी को बात बुरी लगे मेरे पे अभी फतवा ना लगा। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं जी मैं अकेला जाता हूं और आगे जी हिंदुओं को उड़ा दो, उन्हें काफिरों को उड़ा दो। यार ये देखो, इंसानों की जाने जाए, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, ये चीज ठीक है। मजहब बाद में, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले इंसान आया था, मजहब नहीं आया था, ठीक है उसके बाद मजहब आया था, ठीक है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज, मैं किसी को नहीं कहता कि वो गलत है वो सही है, किसी की बात नहीं, अपनी ओपिनियन अपनी बात में करता हूँ, ठीक है अपनी बात करता हूँ। देखो के सबसे पहले जो है ना हमें खुद ब खुद उस चीज को सोचना चाहिए कि इसराइली का कौन कौन सा जो है बायकॉट हमें प्रोडक्ट करनी चाहिए या जो भी है, ठीक है वो एक गलत चीज है कि देखे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ गलत हो रहा। अच्छा, है अभी फलस्तीन इसराइल तो दूर की बात है, कश्मीर की अगर हम बात करें, अंकल से अभी मैंने बात स्टार्ट की, अंकल ने बोला कि भाई वहाँ पे जो उनसे जुल्म हो रहा है, मैं साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में जो उनसे महंगाई से जुल्म हो रहा है। मुझे बताएं कश्मीर में इंडिया ने मजीद अपने 500 जो स्पेशल कमांडो है, क्योंकि वहां पे आए दिन अटैक हो रहे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वहां पे 500 स्पेशल कमांडो उन्होंने तैनात कर दी है। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे, इसके ऊपर मतलब उन्होंने कुछ गलत की आपके ख्याल से या क्या? देखिए मेरी बात सुने, हर मुल्क जो है ना अपनी सिक्योरिटी के हवाले से सकता है, बिल्कुल ठीक है। हमारी गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात उन्होंने भी सोचना कि यार पाकिस्तान पे किसी किस्म का मसला ना बने, ठीक है हम लोग अपनी सिक्योरिटी टाइट रखें, ठीक है इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन जो गलत हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। मुझे बताएं, हम कभी कश्मीर की फलस्तीन की बात करते हैं, ये एक मिनट अगर कैमरामैन दिखाएं, ये जो इतने अंकल जी लोग हैं इनको पहले अगर हम बेहतर कर लें, क्या आप यहाँ आप खुश हैं? बिल्कुल आपको रोजगार मिल रहा है, जॉब मिल रही है, सब खुश हैं, आप खुश हैं? देखिए मेरी बात सुने, ठीक है तकरीबन एक खुश है, कोई खुश नहीं, सारे खुश हैं भाई जान,
ये जुल्म नहीं, पाकिस्तान के मुसलमानों पे जुल्म नहीं है, ठीक है, तो ये जुल्म कौन कर रहा है, तो इसके खिलाफ किसने जिहाद करना है? ये है कि अगर मुसलमान अपना दीन अपना ले, नमाज पढ़ ले, तो नमाज में तो कई ऐसे मुसीबतें जो टल जाती हैं। देखिए ये जो है ना, ये हालात बहुत ही अच्छे नहीं है बल्कि बहुत ही खराब है। अच्छे क्या नहीं, अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब हालात पाकिस्तान और भारत के बीच जा रहे हैं इस वक्त। और रिलेशंस और ताल्लुकात तो कहीं दूर दूर तक आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए, बल्कि ये जो वहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं जम्मू के अंदर, अब उसको काउंटर अटैक काउंटर किया जा रहा है, और तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्य जी जो हैं, वो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि वाई नॉट क्रॉस LOC, उन्होंने लिखा वाई नॉट क्रॉस LOC मेजर गौरव आर्य जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो तुम, मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंक्शन छिड़ जाए, क्या हो जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएँ, घुस जाएँ ना, घुस के मारेंगे, नहीं इस तरह ना करें। ये जो है ये सारी स्टेटमेंट्स चलती रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हूँ तुम इंज ना करो। तो ये हालात हैं, देखें ये इसको मैं एक ज़रा थोड़ा टोन डाउन करके, ऑब्वियसली क्या करें कि भाई हालात ऐसे हैं तो आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़े गंभीर सूरत हाल है ये। अब मैं आपको दूसरी जो खबर है वो आपको बताई देती हूँ, और वो ये है कि TTP का कमांडर नूर वली महसूद, उसकी एक सीक्रेट कॉल लीक हो गई है, और नूर वली महसूद उस खुफिया कॉल के अंदर डायरेक्शंस दे रहा है, हिदायत दे रहा है कि नूर वली महसूद जो है वो हिदायत दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है अपने कुछ साथियों को कि पाकिस्तान में इस जगह हमले करो, जिसमें उसने एक तो ये कहा कि जो स्कूल हैं, मस्जिदें हैं। भाई पैरा एसएफ का एक काम नहीं है, पैरा एसएफ एक स्ट्रेटेजिक फोर्स है, पैरा एसएफ शुड बी यूज्ड टू हिट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स अक्रॉस द LOC। हाँ बोलो पैरा एसएफ वालों को कि वहां पे वो डिव कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, वो ब्रिगेड कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको जाके गुड नाइट बोल के आओ। दिस इज व्हाट दे डू यार, दिस इज व्हाट देयर जॉब इज। ये बड़ी एलीट किस्म की फोर्सेस होती हैं पैरा एसएफ। अभी रूम इंटरवेंशन करना है पैरा एसएफ को बुलाओ, क्यों रूम इंटरवेंशन करना है पैरा एसएफ को बुलाओ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जबकि मैक्सिमम जो किल्स हैं वैली में या इवन साउथ ऑफ पीर पंजाल, मैक्सिमम जो आपको काउंटर इंसर्जेंसी या फिर आपको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो करके दिया है ना, रिजल्ट लेके दिया है, वो किसी एलीट फोर्स ने करके नहीं दिया, वो सारा का सारा काम राष्ट्रीय राइफल्स का है। ऑफ कोर्स SOG को हम JNK पुलिस की जो SOG है वो कम नहीं है, दे आर वेरी गुड, CRPF इज डन अ ग्रेट जॉब, एवरीबडी इज डन अ ग्रेट जॉब, बट इसेंशियली द फोर्स फॉर CICT इज राष्ट्रीय राइफल्स यार। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है ना इन कमांडो की वहाँ पर तैनाती की गई। जैसा कि हम सबको पता ही है कि भारत सरकार भी कहती है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो है ना जीरो टॉलरेंस की नीति है, और यही बात भारत जो है ना पूरी दुनिया के अंदर कहता है, पूरी दुनिया भर के देशों को कहता है कि सभी को जो है ना इसी नीति का पालन करना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ पर भी आतंकवाद हैं उसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि आतंकवाद जो है ना वो कहीं से भी किसी भी एंगल से जो है ना मतलब देखा जाए तो मानवता का दुश्मनी है, और इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान भारत के पड़ोस में है, और पाकिस्तान का जो मेन काम रहा है वो यही है कि आतंकवाद को फैलाना, पालना पोसना, और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करना, और कुछ चीज़ें तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन जब से ये भारत से टूट कर बना है तब से आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करने का जो काम है इनका वो जारी है। तो जैसा कि खबर के अनुसार जो आतंकवादी घुसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको ख़त्म करने के लिए इनकी तैनाती की गई है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।